Hello everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are going to study class 6 geography chapter 4, that is maps. तो आज हम इस वीडियो लेक्चर से एक नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे एंड इससे पहले हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, उसमें ऑलरेडी हम 3 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं. हमने पहले अर्थ के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स को देखा. उसके बाद हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा एंड उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट मोशंस ऑफ द अर्थ देखे, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. तो ये सारे बेसिक्स हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं. तो आज हम कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे मैप्स से रिलेटेड. हमने इससे पहले लेक्चर में ग्लोब पढ़ा था, इस लेक्चर में हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे. दोनों में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ मैप्स क्या होते हैं एंड उसके बारे में अलग अलग कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, तो ये सारा हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, बट when we want to study only a part of the earth as about our country, states, districts, towns, villages, it is of little help. In such a situation we use maps. Fine, so a map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. अगर हमें अर्थ एज अ होल के बारे में पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, ग्लोब को स्टडी करते हैं. बट अगर हमें कोई स्पेसिफिक पार्ट के बारे में स्टडी करना है, जैसे हम अगर पूरे ग्लोब पे अगर हम देखें तो हमारे कंट्री के बारे में अगर हमें डिटेल में स्टडी करना हो तो वो हम ग्लोब की हेल्प से नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हमें मैप्स की रिक्वायरमेंट होती है. हमें किसी स्पेसिफिक पार्ट को स्टडी करना है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कोई और स्पेसिफिकेशन को स्टडी करना है, तो ग्लोब हमारी हेल्प नहीं करता है. तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मैप्स को यूज़ करते हैं. मैप क्या होता है, मैप एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की या फिर किसी पार्ट की जो हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसे कि एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया गया है. हम डिफरेंट डिफरेंट मैप्स देखते हैं ना, अर्थ के बहुत सारे मैप्स देखते हैं, वर्ल्ड के बहुत सारे मैप्स देखते हैं, तो वो क्या है, हम एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन, एक स्पेसिफिक ड्राइंग स्टडी कर रहे हैं. तो उस सिनेरियो में वी यूज़ मैप्स, बिकॉज ग्लोब जब हम वी वांट टू स्टडी अर्थ एज अ होल, एक पूरे यूनिट की तरह अगर हमें पढ़ना है अर्थ को तो हम ग्लोब पढ़ते हैं. अगर स्पेसिफिक पार्ट्स को स्टडी करना है तो मैप्स यूज़ करते हैं. फाइन, तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्लोब एंड मैप के बीच में. मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब. फाइन, मैप्स हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ग्लोब के कंपैरिजन में. क्यों, क्योंकि मैप में हम एक स्पेसिफिक पार्ट को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसकी डिटेलिंग भी पढ़ सकते हैं. पूरे ग्लोब पे हम डिटेल्ड व्यू तो नहीं देख सकते हैं ना किसी स्पेसिफिक कंट्री या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का, बट मैप्स में हम विद डिटेल्ड व्यू ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ मैप्स पढ़ते हैं. फाइन, तो मैप्स में क्या है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है ग्लोब के कंपैरिजन में. मैप बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे मैप्स के. पहला है फिजिकल मैप. फिजिकल मैप क्या होता है कि मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेंस, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा. तो किसी एक अगर हमें जो फिजिकल फीचर्स की स्टडी करनी है तो वो हमें फिजिकल मैप्स के थ्रू करनी पड़ेगी. जैसे अगर हम इंडिया का फिजिकल मैप देखते हैं तो डिफरेंट माउंटेंस, रिवर्स, प्लेट्यूज, जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं वो हम फिजिकल मैप के थ्रू स्टडी कर सकते हैं. तो पहला टाइप क्या है, फिजिकल मैप्स. फिजिकल मैप में क्या पढ़ते हैं हम, जैसे फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इनके बारे में अगर हमें स्टडी करनी हो तो हम फिजिकल मैप का यूज़ करते हैं.
फाइन, तो पहला टाइप क्या हो गया, फिजिकल मैप। दूसरा टाइप क्या है, पॉलिटिकल मैप्स। जैसे अगर हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखें तो उसमें हमें मेनली क्या दिखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, अलग अलग स्टेट्स दिखेंगे, बड़ी सिटीज, टाउन्स, तो ये सब हमें पॉलिटिकल मैप में दिखता है। तो पॉलिटिकल मैप में हम क्या पढ़ते हैं, मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। तो पॉलिटिकल मैप्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि अगर आप वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप देखो तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज विद देयर बाउंड्रीज हमें पॉलिटिकल मैप्स में दिखेंगे। फिजिकल मैप में हमें क्या दिखता है, रिलीफ फीचर्स, फाइन, एंड पॉलिटिकल मैप में हमें कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स विद देयर बाउंड्रीज, ये हमें पॉलिटिकल मैप शो करता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप कौन सा है, थीमेटिक मैप्स। जैसे कि वर्ड से आप देखो, थीमेटिक मीनिंग सम थीम बेस्ड, फाइन, तो सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। सूटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। मान लो अगर इंडिया में हमें रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है, मतलब रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ये क्या है, एक स्पेसिफिक थीम है, एंड हम पूरे इंडिया में हर जगह पे कितनी बारिश होती है उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, एक थीम बेस्ड मैप है। ना तो ये हम फिजिकल मैप में स्टडी कर सकते हैं, ना ही हम ये पॉलिटिकल मैप में स्टडी कर सकते हैं, तो इसके लिए कौन सा मैप है, थीमेटिक मैप्स, जिसमें कि एक थीम के बेसिस पे अलग अलग स्पेसिफिक पार्ट्स को हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे रोड मैप्स, जैसे इंडिया में रोड नेटवर्क कहाँ कहाँ कैसा है, रेल नेटवर्क कैसा है, एयर नेटवर्क कैसा है, तो ये किसके एग्जाम्पल है, थीमेटिक मैप्स के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो वर्ल्ड में जैसे मिनरल्स सोर्सेज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड, कहाँ लोकेटेड है, वर्ल्ड में मेजर फॉरेस्ट जोन्स कौन से हैं, तो ये क्या है, हम एक स्पेसिफिक थीम को स्टडी कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो ये सभी किस में आएगा, ये थीमेटिक मैप्स का पार्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये कौन सा है, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग, जैसे यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, ये रिवर्स हैं, फाइन, प्लेट्यू रीजन है, तो ये क्या शो कर रहा है, रिलीफ फीचर्स बता रहा है, फाइन। फिजिकल मैप में रिलीफ फीचर्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, प्लेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो फिजिकल मैप बताता है। पॉलिटिकल मैप क्या बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, ये हम इंडिया का देख रहे हैं, फाइन, ये हम वेरियस टाइप्स ऑफ मैप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया देख रहे हैं, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के एंड वर्ल्ड ओवर अलग अलग मैप्स होते हैं। तो इंडिया के केस में पॉलिटिकल मैप क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स विद देयर बाउंड्रीज एंड विद देयर कैपिटल सिटीज, तो ये क्या है, पॉलिटिकल मैप है, फाइन, क्या अलग अलग स्टेट्स, उनकी बाउंड्रीज और उनकी कैपिटल सिटीज, तो ये क्या है, पॉलिटी दिखा रहा है। नेक्स्ट थीमेटिक मैप क्या है कि एक स्पेसिफिक थीम के बारे में बात करेगा, जैसे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन इंडिया, रोड मैप्स, रेल मैप्स, एयर मैप्स, फाइन, तो ये क्या है, स्पेसिफिक थीम्स है। जैसे ये मिनरल्स शो कर रहा है कि इंडिया में मिनरल्स कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, तो वो ये थीमेटिक मैप बताएगा कि मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इंडिया में, तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। तो ये हमने तीन अलग अलग टाइप्स के मैप्स पढ़े हैं। देयर आर थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टाइप्स पढ़ा, फाइन,
अभी तक हमने टाइप्स पढ़ा था, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक. फाइन, ये क्या है? कॉम्पोनेंट्स हैं, डोंट गेट कंफ्यूज. फाइन, टाइप्स तीन टाइप के हैं, कॉम्पोनेंट्स भी तीन ही हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. फाइन, तो टाइप्स ऑफ मैप क्या है? फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक. कॉम्पोनेंट्स क्या है मैप्स के? तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, पहला डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा सिंबल. तो अब हम इन कॉम्पोनेंट्स को स्टडी करेंगे. फाइन, तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स, पहला कॉम्पोनेंट क्या है? डिस्टेंस. फाइन, यू हैव टू रिमेंबर दीज कॉम्पोनेंट्स. पहला कॉम्पोनेंट क्या है? डिस्टेंस. मैप्स आर ड्रॉइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल. इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड. देयरफॉर अ स्केल इज चोजन फॉर दिस पर्पस. यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मैप्स हमें क्या बताते हैं? मैप्स बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, ड्राइंग्स हैं. किसकी ड्राइंग? उस पार्ट की जो हम स्टडी करना चाहते हैं. जैसे एग्जांपल आप देखो कि वर्ल्ड, अगर हम ग्लोब देखेंगे तो हमें एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखती है. फाइन, अर्थ सरफेस की. अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड कितना बड़ा है उसको हम एक छोटे से पेपर पे मैप के रूप में देखते हैं. फाइन, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा वर्ल्ड उस पेपर पे आ गया है. वो कैसे पॉसिबल हुआ? मैप की वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमने इस तरह से ड्रॉ किया पूरे वर्ल्ड को एक पेपर पे ताकि हम उसकी स्टडी कर पाएं. फाइन, तो मैप्स बेसिकली क्या है? ड्राइंग है, जो कि इतने बड़े साइज को छोटे में रिड्यूस कर देता है. फाइन, और ये कैसे पॉसिबल है? जब हम किसी पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़े डिस्टेंस को छोटे की फॉर्म में. फाइन, और ये हम किसकी हेल्प से करते हैं? स्केल की हेल्प से. अगर आप किसी मैप में अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें स्केल मेंशन्ड होती है. स्केल बताता है कि एक ब्लॉक कितना रिप्रेजेंट करता है. फाइन, तो ऐसे ही हम स्केल को यूज़ करते हैं मैप्स में ताकि हम करेक्ट जो है उसको स्टडी कर पाए. स्केल होता क्या है? स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. स्केल क्या है? रेशियो है. किसका रेशियो? एक्चुअल डिस्टेंस का एंड एक्चुअल डिस्टेंस और जो डिस्टेंस ऑन मैप है. फाइन, तो ये क्या है? स्केल है. स्केल हम देखते हैं ना मैप में, हमें बता रखा है 1 centimeter इज इक्वल्स टू दिस मैनी ब्लॉक्स. तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है डिवाइडेड बाय मैप में उसका कितना डिस्टेंस बता रखा है. तो वो हम उसको हम स्केल बोलते हैं एंड इससे हम स्टडी कर पाते हैं. फाइन, क्या स्टडी करते हैं? डिस्टेंस को स्टडी करते हैं. डिस्टेंस क्या है? एक कॉम्पोनेंट है मैप्स का. फाइन, तो पहला कॉम्पोनेंट क्या है? डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 kilometers. मान लो आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है? 10 kilometers. फाइन, तो ये डिस्टेंस कितना है होम से स्कूल का? 10 kilometers. अगर आपको एक्चुअल में 10 kilometers एक बड़ा एरिया है तो हमें 10 kilometers को एक छोटे एरिया में दिखाना है. तो वो हम मैप पे कैसे दिखाएंगे? हम स्केलिंग करेंगे. कैसे? अगर हम रिड्यूस कर दें, अगर हम 10 kilometers को एज 2 centimeter शो करें मैप में, तो 1 centimeter कितना होगा? 5 kilometers. इसका मतलब
मैप में एक ब्लॉक अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये कितना डिनोट कर रहा है? 5 किलोमीटर्स. फाइन. कैसे? अगर 10 किलोमीटर्स एक काफ़ी बड़ा एरिया है, हमें क्या करना है? इस बड़े एरिया को छोटे में रिड्यूस करना है. तो हम इसे कितने में रिड्यूस करेंगे? 2 सेंटीमीटर्स में. मतलब कि 2 सेंटीमीटर्स इन अ मैप इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स इन एक्चुअल. फाइन. तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर्स. मतलब कि मैप में एक ब्लॉक जो है, अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा. तो इस तरह से हम क्या करते हैं? स्केलिंग करते हैं. तो ये हमने स्केल डिसाइड कर ली, ये हमारी स्केल हो गई कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स. तो ये हमने स्केल डिसाइड किया एंड उसके बेसिस पे हम मैप्स को ड्रॉ करते हैं. फाइन. तो इस तरह से हम क्या करते हैं? स्केलिंग करते हैं मैप में टू कवर अ लार्ज एरिया इनटू अ स्मॉल पोर्शन. व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर देन वी यूज स्मॉल स्केल. फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर्स ऑफ द ग्राउंड. तो ये क्या है? स्मॉल स्केल है. स्मॉल स्केल में हमने क्या किया कि अगर हम किसी बहुत बड़े एरिया को पेपर पे शो करना है, जैसे कि पूरे कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज को हमें शो करना है, तो हम क्या करते हैं? यूजुअली स्मॉल स्केल को प्रेफर करते हैं. स्मॉल स्केल मतलब कि 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू सम लेट्स से 500 किलोमीटर्स. फाइन. तो ये क्या है? स्मॉल स्केल मैप है. अगर हमें किसी स्मॉल एरिया, किसी गांव को, विलेज को, टाउन को या सिटी को स्टडी करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? लार्ज स्केल यूज़ करते हैं. लार्ज स्केल मतलब एग्जांपल 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 मीटर्स. तो ये क्या हुआ? लार्ज स्केल हुआ. तो स्मॉल स्केल हम किसके लिए यूज़ करते हैं? टू स्टडी लार्ज एरियाज. फाइन. स्मॉल स्केल किसके लिए यूज करते हैं? लार्ज एरियाज के लिए. और लार्ज स्केल किसके लिए यूज करते हैं? स्मॉलर एरियाज के लिए. और ऐसा क्यों? मान लो आपको किसी टाउन, किसी विलेज को स्टडी करना है, तो वो एक छोटी जगह है. तो छोटी जगह है इसलिए हमने स्केलिंग भी कम रखी है ताकि हम उसको डिटेल में स्टडी कर पाए. फाइन. तो ये दोनों में डिफरेंस है कि स्मॉल स्केल मैप्स क्या हुए, जिसमें कि हम लार्ज एरियाज को स्टडी करते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट्स या पूरे पूरे कंट्रीज. एंड लार्ज स्केल क्या हुआ, जिसमें कि हम छोटे एरिया को स्टडी करते हैं, स्मॉलर एरिया को स्टडी करते हैं, जैसे विलेज और टाउन. एंड इसके लिए हम स्केलिंग कैसे यूज़ करेंगे? स्केलिंग भी हमने 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 मीटर्स यूज़ किया. फाइन. तो ये क्या हुआ? लार्ज स्केल मैप. तो अगर हम किसी छोटे एरिया को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो हमें ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. दैट इज़ ट्रू, बिकॉज लार्ज स्केल मैप्स जो हैं हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल मैप से. कैसे? अगर एक छोटे टाउन को स्टडी करना है और एक बड़ी कंट्री को आप लोगे, तो बड़ी कंट्री के ज़्यादा फीचर्स आप स्टडी नहीं कर पाओगे. एंड क्योंकि आप एक छोटे टाउन को स्टडी कर रहे हो, तो उसमें हम डिटेल्ड फीचर्स भी स्टडी कर सकते हैं. सो इसलिए लार्ज स्केल मैप्स जो हैं हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप्स. सो ये दोनों टाइप्स थे, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. स्मॉल स्केल यूज फॉर लार्जर एरियाज एंड लार्ज स्केल यूज फॉर स्मॉलर एरियाज. तो
एक कंपोनेंट हमने पढ़ा डिस्टेंस का, दूसरा कंपोनेंट है डायरेक्शन. देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप. वन इज डिस्टेंस, सेकंड इज डायरेक्शन. तो इट इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ अ मैप. मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन. जैसे मैप्स में हम देखते हैं ना कि लेटर एन लिखा है, तो उसका क्या मतलब है कि वो हमें नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है. फाइन, तो अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो हम बाकी की तीन डायरेक्शंस जो हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. तो डायरेक्शन हमें क्या बता रहा है कि इट शोज कि जैसे सपोज मैप्स मार्क्ड विद लेटर एन ऑन अपर राइट हैंड कॉर्नर, सो दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन. तो डायरेक्शन हमें डायरेक्शन ही बताएगा. लेटर एन क्या बताएगा? नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. सो अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में पता है तो हम बाकी की तीन डायरेक्शंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देर आर फोर मेजर डायरेक्शंस. फोर मेजर डायरेक्शंस हमें पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स. इनको क्या बोला जाता है? कार्डिनल पॉइंट्स. अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं. अगर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है. फाइन, इस साइड कौन सी होगी? वेस्ट. एंड इस साइड ईस्ट. तो ये चार मेजर डायरेक्शंस हैं. इनको हमने क्या बोला कि ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. इसके अलावा जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं? कि ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है. फाइन, इसलिए कौन सी डायरेक्शन हुई? नॉर्थ ईस्ट. ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ एंड ईस्ट के बीच में है. तो ये नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड साउथ के ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट. सिमिलरली वेस्ट एंड साउथ के बीच में साउथ वेस्ट. फाइन, एंड ये डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट क्यों? बिकॉज नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में है. तो ये क्या है? ये चार इंटरमीडिएट डायरेक्शन है. कार्डिनल पॉइंट्स कौन से हैं? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. एंड इंटरमीडिएट पॉइंट्स कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, साउथ ईस्ट बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, साउथ वेस्ट बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, एंड नॉर्थ वेस्ट बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट. तो ये क्या है? डायरेक्शंस हैं. तो हमने डिस्टेंस पढ़ा, स्केलिंग इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ा, डायरेक्शंस पढ़े कि कौन कौन से डायरेक्शंस हैं. अब हम नेक्स्ट कॉम्पोनेंट पढ़ेंगे. तो तीन कॉम्पोनेंट्स हमने कौन से पढ़े हैं? कॉम्पोनेंट्स कौन से पढ़े हमने? पहला हमने डिस्टेंस पढ़ा, दूसरा हमने डायरेक्शंस, थर्ड इज सिंबल्स. तो ये क्या है? कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मैप. थर्ड कॉम्पोनेंट जो है दैट इज सिंबल्स. अब सिंबल्स क्या है इसको देखते हैं. इट इज़ अ थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ मैप. इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और अ वेल. हम एक्चुअल फीचर्स जो हैं, सपोज किसी बिल्डिंग के फीचर या रोड के फीचर या जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो ब्रॉड गेज है, नैरो गेज है, तो हम एक्चुअल फीचर्स जो हैं वो मैप पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. तो उस केस में हम क्या करते हैं?
उसको सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कुछ लेटर्स डिनोट कर सकते हैं, कुछ कलर्स डिनोट कर सकते हैं, कुछ शेड्स डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सिंबॉलिक पैटर्न है। तो इसीलिए थर्ड कंपोनेंट है मैप्स का सिंबल्स। तो सिंबल्स की हेल्प से हम इन फीचर्स को मैप्स पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस। दीज सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। इन सिंबल्स की हेल्प से हम मैप्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं एंड इजीली इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल फीचर्स को जब हम ड्रॉ नहीं कर पाते हैं मैप्स में, तो हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं यूज सिंबल्स का? मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। मैप्स को इजीली हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स को हम इजीली पढ़ सकते हैं, राइट? सो देर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। ये सिंबल्स कैसे यूज होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम सिंबल हमारे मन में आया और हमने उसको यूज कर लिया, दिस इज नॉट द केस, फाइन। तो उसके लिए क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑलरेडी बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग कि हम सिंबल्स यूज कर सकते हैं, फाइन। सो देर इज एन एग्रीमेंट बिहाइंड द यूज ऑफ सिंबल्स। सो दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। इनको क्या बोला गया है, कन्वेंशनल सिंबल्स। तो हम कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स को देखते हैं। जैसे आप ये देखिए फिगर में, ये सपोज ये रेलवे लाइन है, पहला एग्जांपल। रेलवे लाइन में ये क्या है, ब्रॉड गेज है, ये क्या है, मीटर गेज है, एंड ये क्या है, रेलवे स्टेशन। यहाँ पे RS लिखा हुआ है ना, विच मीन्स रेलवे स्टेशन। तो ये थोड़ा थिक जो प्लेट है, ये क्या है, ब्रॉड गेज है, ये क्या है, मीटर गेज है। ऐसे ही रोड्स के लिए क्या सिंबल यूज हुआ है, अगर मेटल रोड है तो उसके लिए हमने दो थिक डैश लाइन यूज की है, एंड अनमेटल्ड के लिए हमने डॉटेड लाइंस का यूज किया है, फाइन। तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही हम इन सिंबल्स को यूज कर रहे हैं। जैसे बाउंड्री के लिए देखो आप, अगर आप किसी मैप में देखते हो तो इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उसके लिए ऐसा सिंबल होता है, फाइन, थोड़ा थिक लाइन है एंड देन अ डॉट। स्टेट के लिए, जो स्टेट बाउंड्रीज है उसके लिए कंपैरेटिवली लाइन देखो थोड़ी सी थिन हो गई है यहाँ पे, एंड फॉलोड बाय अ डॉट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के लिए सिंपल डैश्ड लाइंस, फाइन। तो ये क्या है, अलग अलग तरीके की बाउंड्रीज को ये सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली रिवर के लिए ये, वेल के लिए, टैंक के लिए, कैनाल एंड अ ब्रिज, टेम्पल, चर्च। तो इसी तरह से आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का क्या है, हम यूज़ करते हैं टू स्टडी द एक्चुअल फीचर्स जिनको कि हम मैप पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। सो वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। हम जनरली देखते हैं ना कि जहाँ ब्लू कलर है मतलब कुछ पानी से रिलेटेड होगा। तो जनरली ब्लू कलर इज शोन फॉर वॉट, वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू, एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स। तो ये क्या है, कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं जो कि हम मैप्स में यूज करते हैं टू स्टडी वेरियस थिंग्स। जैसे पोस्ट ऑफिस के लिए PO लिखा जाता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए इट इज़ PTO, पुलिस स्टेशन के लिए इट इज़ PS, सेटलमेंट के लिए दिस वन, एंड ग्रेवयार्ड के लिए ये। सिमिलरली ट्रीज एंड ग्रासेस, तो ये क्या है, कन्वेंशनल सिंबल्स हैं। सिंबल क्या है, अगेन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ मैप। सो फाइन, तीन कॉम्पोनेंट्स हमने मैप के पढ़े, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। नेक्स्ट है स्केच। स्केच क्या है, इट इज अ ड्रॉइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। जब हम नॉर्मली बिना स्केलिंग के अगर कोई ड्राइंग यूज कर रहे हैं, कोई रफ अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो वो क्या है,
स्केच है जिसको कि हमने स्केल नहीं किया है, हमने उसके डायमेंशंस को मेंशन नहीं किया है कि सपोज 1 सेंटीमीटर इज 2 किलोमीटर्स और एज सच हमने कुछ मेंशन नहीं किया है. हम एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं, फाइन. सो समटाइम्स अ रफ ड्रॉइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेज. सपोज ये कोई विलेज है तो आप इसको बिना स्केलिंग के यूज़ कर रहे हो, आप बता रहे हो कि विलेज के एक्सट्रीम ईस्ट में क्या है, एक वेल है, फाइन. एंड इस तरफ क्या है, नॉर्थ में क्या है, एक सपोज टेम्पल है, यहाँ पे कोई चर्च है. तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप एग्जैक्ट डायमेंशन तो नहीं बता रहे हो, एग्जैक्ट स्केलिंग नहीं कर रहे हो ना, एक रफ ड्राइंग कर रहे हो, एक रफ स्केच तैयार कर रहे हो, सो दैट कि हम एक ईजिली एक एरिया को बता सकें. सो सपोज यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डू नॉट नो द वे, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आपका दोस्त क्या कहेगा, एक रफ आइडिया बता देगा कि उसके बाद थर्ड गली में लेफ्ट लेना, फिर वहाँ एक मंदिर आएगा, वहाँ से सीधे आना. तो ये क्या है, एक रफ आइडिया है ना, रफ एस्टिमेट है, फाइन. तो ऐसी रफ ड्राइंग जो कि बिना स्केल के ड्रॉ की जाती है उसको क्या बोला जाता है, स्केच मैप, फाइन. सो इट इज अ रफ ड्रॉइंग विदाउट स्केलिंग. नेक्स्ट क्या है, प्लान. सो प्लान क्या है, अब स्केचिंग क्या है, इट इज अ रफ ड्रॉइंग. प्लान क्या है, एक प्रॉपर ड्रॉइंग है. प्लान इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. एक किसी छोटे से एरिया का अगर हम बड़े स्केल पे ड्रॉ करते हैं तो वो क्या है, प्लान है. अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि लार्ज स्केल मैप जो है हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू अ स्मॉल स्केल मैप, फाइन. सो अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देर आर सर्टन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वॉन्ट टू नो. फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम विच कांट बी शोन इन अ मैप. At that time, we can refer drawings drawn to scale called a plan. तो एक difference तो आप ये देखना कि plan में हम क्या करते हैं, scaling कर रहे हैं, fine. Scale का use कर रहे हैं plan में. Sketch क्या है, rough drawing है. तो एक difference तो ये है. दूसरा difference ये है कि plan जो है एक छोटे area का अगर हम बड़े scale पर representation करते हैं, so that is a प्लान. अगर एक रूम का हम प्लान बनाते हैं कि लेंथ कितनी है उस रूम में एंड विड्थ कितनी है, तो वो हम किसी मैप पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लान ड्रॉ करते हैं जिसमें कि हम छोटी छोटी डिटेलिंग को इंक्लूड कर सकते हैं, फाइन. तो ये क्या है कि हम एक प्रॉपर प्लान तैयार कर रहे हैं, फाइन. तो ये हमने वेरियस टर्मिनोलॉजीज को पढ़ा. इस लेक्चर में बेसिकली हमने डिफरेंस देखा कि मैप और ग्लोब के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स देखे, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक. उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मैप देखे, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, वेरियस कन्वेंशनल सिंबल्स को देखा. एंड लास्ट में स्केच एंड प्लान में डिफरेंस देखा. सो फाइन, सो आज का लेक्चर विल एंड हेयर ओनली एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर द क्लास.